जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए। आपसे इल्तिमास है कि हमारे प्रोग्राम के बारे में अपने कीमती आरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम अपनी खामियों पर काबू कर सकें। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी अहम खबर ये है कि आर्मी चीफ जो इस वक्त अमरीका के दौरे पर हैं, वहाँ पर उन्होंने फैसला किया है कि खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो सियासत से कतअ ताल्लुक कर चुकी हैं और मुस्तकबिल में वो सियासत से दूर रहेंगी। मज़ीद बना इस बात का भी अयादा किया कि मैं किसी तोसी का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ और मैं अपने मुकर्रर वक्त पर रिटायर हो जाऊँगा। ये नाज़रीन आज की बहुत बड़ी खबर है और मेरे जैसे तरक्की पसंद डेमोक्रेट के लिए, एक सियासी कारकन के लिए इंतहाई हौसला अफजा खबर है। हम लेफ्ट के लोग, हम प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद लोग सिर्फ इस वजह से उस वक्त पीडीएम का साथ या पीडीएम के नुक्ता नज़र का साथ दे रहे थे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान की सियासत पर हावी थी। 2014 के धरनों से लेकर धरना 1, धरना 2, तहरीक लबैक की लॉन्चिंग, ये तमाम अवामल थे जो बार बार नवाज शरीफ को कमज़ोर किए जा रहे थे। डॉन लीक 1, डॉन लीक 2 और बहुत सारे केसेस जो पानामा की आड़ में डेमोक्रेटिक लोगों के खिलाफ बनाए गए, उन्हें जेलों में डाला गया, इससे जमहूरियत कमज़ोर हुई। बबागे दहल जो लोग हैं जिनको इलम है वो कहते हैं कि इससे पहले जनरल शुजा पाशा, उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने सियासत में गंद डाला और उसकी बात रही सही कसर थी वो जनरल फैज़ ने पूरी कर दी, तो इससे पाकिस्तान की सियासत आलूदा हुई। ये पहली बार आलूदा नहीं हुई, ये शुरू से ही ऐसे चल रहा है, मगर हम ज़्यादा जो माजी बईद है उसकी बात नहीं करते, हम माजी करीब की बात कर रहे हैं। और अगर अब इस हाइब्रिड निज़ाम के तजर्बे के बाद ये फैसला किया है अफवाज पाकिस्तान ने और उनके सुप्रीम कमांडर ने, उनके लीडर ने, उनके चीफ ने कि फौज सियासत से दूर रहेगी और कभी इसमें मुदाखलत नहीं करेगी, तो इंतहाई खुशायद खबर है मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मतलब दिन है, बड़ी ईद की बात है और इसको मैं इसका बहुत खुश हूँ अंदर से। सॉरी। अच्छा, इसमें जो आर्मी चीफ़ का ये बयान है ये इसलिए भी अहमियत रखता है कि इस वक्त आर्मी चीफ जो अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ पर वो अपने जो सेकंड इन कमांड है या मतवक्के आर्मी चीफ जो हो सकते हैं वो लोग भी साथ हैं, तो वहाँ पर लाइजनिंग जो हो वो हो रही होगी। वहाँ पर अमेरिका के जो एजेंसीज के लोग हैं, उनके जो एहलकार हैं उनके साथ, तो नाज़रीन ये आर्मी चीफ के इस बयान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसकी एक वजह तो यह है कि आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और उनके हमरा इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी के सीनियर जनरल साथ हैं, मे बी उनमें से कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन जाए नेक्स्ट, तो इसलिए इस की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस बात की जो उन्होंने वहाँ पर इसका अयादा किया है। और ये पाकिस्तान की मजबूती के लिए बहुत अहम है और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए ज़्यादा अहम है। और आर्मी चीफ ने इकॉनमी के हवाले से भी बात की कि मजबूत मवेशियत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और मजबूत मवेशियत जो है कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए है। और पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ के इस बयान से बहुत से लोगों को मर्चें लगी होंगी जो कि चाहते थे कि हम अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लेकर आएं, तो बहरहाल ये एक नेक शगुन है। और अमूमन इस तरह के बयान पहले भी आते रहे हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, कि ये एक खुशफहमी ना हो हमारी, क्योंकि बाजी में भी ज़ियाउल हक ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का ऐलान किया था जो कि नहीं पूरा हुआ, और मुशर्रफ भी आए थे, उन्होंने 2 साल की बात की थी और उसके बाद वो 8-10 साल रहे। बहरहाल ये हमेशा ही कभी ऑन नहीं किया कि हम मुदाखलत करते हैं सियासत के अंदर, काश कभी हमारे आर्मी चीफ हजरात
या ISI के हजरात ओन भी कर लें, ये क्लेम कर लें कि हाँ हम मुदाखलत करते रहे हैं और हमने गंद डाला, हमने सबूतास किया और हम आवाम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि हमने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की मुईशत को नुकसान पहुँचाया। ये दिन हमें देखना कब नसीब होगा? शायद इतनी जुरत, इखलाकी जुरत हमारे जर्नैलों के अंदर नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।